हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सद्दाम। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने ब्रह्म समाज के बारे में पढ़ा था, राजा राम मोहन राय के बारे में। तो दोस्तों, ये ब्रह्म समाज की हमारी दूसरी क्लास है। इसमें दोस्तों हम ब्रह्म समाज के विभाजन के बारे में, क्यों इसका विभाजन होता है, और दोस्तों केशव चंद्र सेन के बारे में आपको विस्तार से समझाएंगे, क्योंकि केशव चंद्र सेन से काफी प्रश्न बनकर आते हैं, उसकी पत्रिका के बारे में बनकर आता है किस तरीके से विभाजन होता है, और दोस्तों केशव चंद्र सेन कौन सी संस्कृति या कौन से धर्म से प्रभावित थे, इसलिए दोस्तों जो उन्होंने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी उसका उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों आज हम इसी टॉपिक पर विस्तार से समझेंगे। समझना दोस्तों, जो ये ब्रह्म समाज है, अगर हम ब्रह्म समाज की स्थापना की बात करें तो 20 अगस्त 1828 ईस्वी में इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी, राजा राम मोहन राय ने। अब दोस्तों एक बात समझना, जो इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने की है, तो दोस्तों जो ये ब्रह्म समाज है, यह दोस्तों अंधविश्वास, मूर्ति पूजा और कर्म कांड का विरोध करता है। और दूसरी बात दोस्तों यह है, यह जो ब्रह्म समाज है, यह दोस्तों एकीश्वरवाद पर बल देता है। किस पर बल देता है? एकेश्वरवाद पर, अर्थात ईश्वर एक है। और जो ये एकेश्वरवाद है, यह दोस्तों राजा राम मोहन राय ने इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म से ग्रहण किया था, ठीक है। और दोस्तों ये जो ब्रह्म समाज है, इसकी स्थापना कलकत्ता में की गई थी। कहां पर की गई थी दोस्तों? कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी। ये बात मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, लेकिन दोस्तों समझना, जब 20 अगस्त 1828 ईस्वी को ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी, इसके बाद दोस्तों 1830 ईस्वी में राजा राम मोहन राय कहां चले जाते हैं दोस्तों? ब्रिटेन चले जाते हैं। कहां पर चले जाते हैं? ब्रिटेन चले जाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ब्रिटेन ये जाते हैं, अकबर द्वितीय, जो मुगल बादशाह अकबर द्वितीय थे, उन्होंने अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए ब्रिटेन के सम्राट विलियम चतुर्थ के पास अपना राजदूत बनाकर राजा राम मोहन राय को भेजा था, ठीक है ना। यहां तक हो जाता है, लेकिन दोस्तों अब यहीं से प्रश्न बनता है, क्योंकि जब राजा राम मोहन राय ब्रिटेन जाते हैं, उस समय ब्रह्म समाज की कमान किसने संभाली? यह प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों इस समय जो इस ब्रह्म समाज की जो कमान जो संभाली थी दोस्तों, राजा राम मोहन राय के बाद प्रथम जो कमान संभाली थी, पंडित रामचंद्र विद्यावागीश ने संभाली थी। किसने संभाली थी? पंडित रामचंद्र विद्यावागीश ने इसकी कमान संभाली थी। या हम ये कहें, अगर प्रश्न ये आता है राजा राम मोहन राय के बाद ब्रह्म समाज की कमान या ब्रह्म समाज का नेतृत्व तो किसने किया, तो दोस्तों प्रथम आएगा पंडित रामचंद्र विद्यावागीश आएगा। ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम में पूछा जाता है जब राजा राम मोहन राय ब्रिटेन जाते हैं। लेकिन अब प्रश्न ये आता है राजा राम मोहन राय की मृत्यु 27 सितंबर 1833 में हो जाती है, 27 सितंबर 1833 में हो जाती है। तो उसके बाद ब्रह्म समाज की, अर्थात मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज की कमान किसने संभाली, यह प्रश्न भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों मृत्यु के बाद बात की जाए, मृत्यु के बाद किसने संभाली, तो दोस्तों मृत्यु के बाद जो कमान संभाली थी, वह दोस्तों जो रविंद्रनाथ टैगोर है, उसका पूर्वज, जिसका नाम था दोस्तों द्वारिकानाथ टैगोर ने संभाली थी। किसने दोस्तों? द्वारिकानाथ टैगोर ने संभाली थी कमान। किसने संभाली दोस्तों? द्वारिकानाथ टैगोर ने कमान संभाली थी, ठीक है ना।
यहां तक दोस्तों अब ये बन गया मोस्ट इंपॉर्टेंट। मृत्यु के बाद द्वारिका नाथ टैगोर ने संभाली, लेकिन मृत्यु से पहले जब राजा राम मोहन राय ब्रिटेन जाते हैं तो उस समय जो कमान जो संभाली थी दोस्तों वो किसने संभाली थी दोस्तों, पंडित रामचंद्र विद्या वागीश ने संभाली थी, ठीक है ना। यहां तक दोस्तों ये हमारा हो जाता है। इसके बाद दोस्तों इसके बाद क्या होता है, द्वारिका नाथ टैगोर के बाद जो द्वारिका नाथ टैगोर है उसके बाद दोस्तों द्वारिका नाथ टैगोर का जो पुत्र है, द्वारिका नाथ टैगोर की मृत्यु के बाद जो पुत्र है दोस्तों, पुत्र ने इसकी ब्रह्म समाज की कमान संभाली, किसकी ब्रह्म समाज की कमान संभाली दोस्तों, और पुत्र का नाम क्या था, अब प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है। पुत्र का नाम क्या था, अब प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है, देवेंद्र नाथ टैगोर। क्या नाम है दोस्तों, देवेंद्र नाथ टैगोर। अब आप समझना प्रश्न किस तरीके से बनकर आते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर हम इतिहास की बात करें जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाता है तो प्रश्न का जो लेवल है वो भी बढ़ जाता है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों मृत्यु के बाद द्वारका नाथ टैगोर ने संभाली, और द्वारका नाथ टैगोर के बाद देवेंद्र नाथ टैगोर जो द्वारका नाथ टैगोर के पुत्र हैं उन्होंने कमान संभाली दोस्तों, ठीक है ना। और दोस्तों इस देवेंद्र नाथ टैगोर ने ही 1839 ईस्वी में तत्व बोधिनी सभा की स्थापना की थी। ये प्रश्न दोस्तों काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, किसकी स्थापना की थी, तत्व बोधिनी सभा की स्थापना की थी, किसने की थी दोस्तों, देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। ये प्रश्न काफी बार एग्जाम में आया हुआ है ये, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों प्रश्न कभी कभी ऐसा भी आ जाता है, ब्रह्म समाज से कौन कौन संबंधित थे या कौन संबंधित नहीं था, ऐसा प्रश्न भी बनकर आ जाता है। पंडित रामचंद्र विद्या वागीश, द्वारका नाथ टैगोर और देवेंद्र नाथ टैगोर, ये दोस्तों रविंद्र नाथ टैगोर के पूर्वज ही हैं, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों होता क्या है, इस देवेंद्र नाथ टैगोर ने दोस्तों 1857 ईस्वी में, कब दोस्तों 1857 ईस्वी में, केशव चंद्र सेन को दोस्तों ब्रह्म समाज में शामिल कर लिया। किसको दोस्तों, केशव चंद्र सेन को 1857 ईस्वी में ब्रह्म समाज में शामिल कर लिया। और दोस्तों इस समय केशव चंद्र सेन की उम्र ज्यादा नहीं थी, ये 20 वर्ष के लगभग थे, क्योंकि जन्म 1838 ईस्वी में होता है, ठीक है ना। अब दोस्तों समझना, इसके बाद दोस्तों केशव चंद्र सेन को इसकी पूरी कमान भी सौंप दी गई थी ब्रह्म समाज की। लेकिन दोस्तों समझना, अब आप यहां पर समझना, जो ये केशव चंद्र सेन है, ये केशव चंद्र सेन दोस्तों पूर्वी पश्चिमी संस्कृति से, पूर्वी नहीं पश्चिमी संस्कृति से बहुत ज्यादा प्रभावित थे केशव चंद्र सेन। और दोस्तों केशव चंद्र सेन पर राजा राम मोहन, अगर हम बात करें जो केशव चंद्र सेन है इस पर दोस्तों राजा राम मोहन राय से भी ज्यादा पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव पड़ता है, अर्थात ईसाई धर्म का प्रभाव। अगर हम बात करें कल को अगर प्रश्न आ जाए सबसे ज्यादा ईसाई धर्म से प्रभावित कौन थे, तो दोस्तों हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा केशव चंद्र सेन, क्योंकि यह राजा राम मोहन राय से भी ज्यादा प्रभावित थे। किससे दोस्तों, ईसाई धर्म से सबसे ज्यादा प्रभावित पर पड़ा था। अब दोस्तों समझना, इस केशव चंद्र सेन ने क्या किया दोस्तों, केशव चंद्र सेन ने क्या किया 1860 ईस्वी में, केशव चंद्र ने क्या किया दोस्तों, संगत सभा की स्थापना की थी। किसकी, संगत सभा की स्थापना की थी 1860 ईस्वी में। ये दोस्तों काफी बार पूछा जाता है, संगत सभा की स्थापना किसने की थी, ये दोस्तों केशव चंद्र सेन ने की थी। इसके बाद दोस्तों आगे हम बात करें 1861 ईस्वी में इंडियन मिरर नामक पत्रिका निकाली थी दोस्तों। कौन सी पत्रिका निकाली थी, इंडियन मिरर नामक पत्रिका निकाली थी।
कल को अगर प्रश्न ये भी आ जाता है इंडियन मिरर या प्रश्न पूछ लिया जाए दोस्तों ब्रह्म समाज की कौन सी पत्रिका थी, तो उसमें इंडियन मिरर पत्रिका भी आ जाएगी, क्योंकि इन्होंने इंडियन मिरर नामक पत्रिका भी निकाली थी। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अब हम आगे बात करें दोस्तों, इसके बाद दोस्तों ये पश्चिमी संस्कृति से ज्यादा प्रभावित है केशव चंद्र सेन, इसलिए दोस्तों इस केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज से 1865 ईस्वी को ब्रह्म समाज से निकाल दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है दोस्तों, निकाल दिया जाता है 1865 ईस्वी को केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज से, क्योंकि दोस्तों ब्रह्म समाज से जो निकाला जाता है वो इसलिए निकाला जाता है क्योंकि भारतीय सभ्यता या भारतीय संस्कृति से ज्यादा केशव चंद्र सेन पश्चिमी संस्कृति को महत्व देते थे, इसलिए दोस्तों देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1865 ईस्वी को ब्रह्म समाज से इसे निष्कासित कर दिया गया, किसे, केशव चंद्र सेन को दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों यहां तक तो ये बात कंप्लीट हो जाती है, समझना, केशव चंद्र सेन को 1857 में शामिल किया और दोस्तों 1863 में इसका इसे अध्यक्ष या अध्यक्ष भी बनाया था, ठीक है ना, इसका मुखिया बना दिया गया था 1863 ईस्वी में, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों 1860 ईस्वी में केशव चंद्र सेन ने संगत सभा की स्थापना की थी और इंडियन मिरर नामक जो पत्रिका निकाली थी वे 1861 ईस्वी में निकाली थी दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अब आप समझना प्रथम विभाजन, प्रथम विभाजन ये दोस्तों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रथम विभाजन अर्थात अब इसका क्या होगा दोस्तों, प्रथम विभाजन होगा किसका दोस्तों, ब्रह्म समाज का। आप समझना इस ब्रह्म समाज का प्रथम विभाजन होगा और दोस्तों 11 नवंबर 1866 ईस्वी को, याद रखना दोस्तों 11 नवंबर 1866 ईस्वी को केशव चंद्र सेन ने दोस्तों भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों केशव चंद्र सेन ने 11 नवंबर 1866 ईस्वी को भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में अक्सर ये पूछ लिया जाता है ब्रह्म समाज का विभाजन पहली बार कब होता है, पहली बार ब्रह्म समाज का विभाजन होता है 11 नवंबर 1866 ईस्वी को और केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज से हटकर अलग भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की। और दोस्तों जो ये पहला वाला जो ब्रह्म समाज जो चला आ रहा है दोस्तों, इसके अध्यक्ष अभी कौन है, देवेंद्रनाथ टैगोर हैं और इसने इसका नाम आदि ब्रह्म समाज कर दिया। क्या नाम कर दिया, आदि ब्रह्म समाज कर दिया। जो पहले से ब्रह्म समाज चला आ रहा था उसका नाम आदि ब्रह्म समाज कर दिया। क्या रख दिया दोस्तों, आदि ब्रह्म समाज नाम रख दिया। इस ब्रह्म समाज का नाम हो गया आदि ब्रह्म समाज, ठीक है ना। और दोस्तों जो केशव चंद्र सेन ने बनाया उसका नाम पड़ गया भारतीय ब्रह्म समाज, ठीक है ना। यहां तक दोस्तों हमारा ये कंप्लीट होता है, लेकिन अब यहां से आगे केशव चंद्र सेन ने इसमें क्या किया, सुधार किए। इसके बाद केशव चंद्र सेन कहां जाएंगे दोस्तों, ब्रिटेन जाएंगे और ब्रिटेन से आने के बाद फिर यहां पर कौन सी समिति की स्थापना करते हैं और फिर किस तरीके से ब्रह्म मैरिज एक्ट लागू किया जाता है, उनके बारे में भी अभी हम विस्तार से समझेंगे, ठीक है ना। यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों समझना जो ये भारतीय ब्रह्म समाज है, ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं, जो भारतीय जो ब्रह्म समाज है इस पर दोस्तों किसका प्रभाव सबसे ज्यादा है, वो ब्रिटेन का प्रभाव सबसे ज्यादा है, ठीक है ना, ब्रिटेन का प्रभाव सबसे ज्यादा है। अब समझना दोस्तों 11 नवंबर 1866 ईस्वी को भारतीय ब्रह्म समाज, ठीक है ना, यहां तक हो गया। अब दोस्तों समझना ये भारतीय जो ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने कर दी। इसके बाद दोस्तों 1870 ईस्वी में
केशव चंद्र सेन कहां जाएंगे, ये प्रश्न दोस्तों ये भी आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। केशव चंद्र सेन ब्रिटेन गए जाते हैं, कहां जाते हैं दोस्तों, ब्रिटेन जाते हैं। कहां पर? ब्रिटेन। अब समझना आप, ब्रिटेन जाते हैं केशव चंद्र सेन, वहां की जो संस्कृति है, ईसाई धर्म है, उससे काफी प्रभावित होते हैं और ईसाई धर्म की बैठक में वहां पर प्रवचन भी देते हैं केशव चंद्र सेन। अगर दोस्तों समझना, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कौन सा धार्मिक सुधारक था जो ब्रिटेन गया था, अगर राजा राममोहन राय का ऑप्शन नहीं आए तो आपको क्या करना है दोस्तों, केशव चंद्र सेन करना है, क्योंकि ये भी ब्रिटेन जाते हैं। और दोस्तों ब्रिटेन जाने के बाद यहां पर भारत में इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना करते हैं, एसोसिएशन की स्थापना करते हैं 1870 ईस्वी में। किसकी स्थापना करते हैं दोस्तों? इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना करते हैं ब्रिटेन से लौटने के बाद। अब दोस्तों समझना, जो ये प्रश्न है, ये प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है दोस्तों क्योंकि ये महिला शिक्षा पर बल देता है, और अंधविश्वास का विरोध करता है, शिक्षा पर बल देता है, साहित्य पर बल देता है, ठीक है ना। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना ब्रिटेन से लौटने के बाद 1870 ईस्वी में कर दी जाती है। इसके बाद दोस्तों अब केशव चंद्र सेन भारत में नए अच्छे वाले कानून बनाने के लिए दोस्तों ब्रिटिश जो यहाँ की जो ब्रिटिश जो सरकार है उससे दोस्तों अनुने विनय करते हैं या वहां तक अपनी मांगों को भेजते हैं। और दोस्तों अब यहां पर आप समझना, केशव चंद्र सेन के प्रयासों से 1872 ईस्वी में ब्रह्म मैरिज एक्ट लागू किया गया। दोस्तों इसे ब्रह्म मैरिज एक्ट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये ब्रह्म समाज की वजह से लागू किया था ब्रिटिश सरकार ने। किसकी वजह से लागू किया था दोस्तों? ब्रह्म समाज की वजह से लागू किया था। अब दोस्तों ये ब्रह्म मैरिज एक्ट क्या है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। और कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, ब्रह्म मैरिज एक्ट के अनुसार विवाह की निश्चित आयु कितनी की गई थी? तो दोस्तों ये जो ब्रह्म मैरिज एक्ट है इसमें दोस्तों जो लड़का की आयु जो निश्चित की गई थी वो 18 वर्ष की गई थी। कितनी की गई थी दोस्तों? 18 वर्ष की गई थी। और दोस्तों लड़की की आयु कितनी निश्चित की गई थी? 14 वर्ष की गई थी। कितनी की गई थी दोस्तों? 14 वर्ष की गई थी, ठीक है ना। अब दोस्तों समझना, इस ब्रह्म मैरिज एक्ट के अनुसार दोस्तों शादी की निश्चित आयु निश्चित की गई थी, कितने वर्ष में शादी की जाए, लड़के की 18 वर्ष और लड़की की 14 वर्ष। इसके बाद दोस्तों होता क्या है, 1878 ईस्वी में केशव चंद्र सेन खुद अपनी अल्प आयु की लड़की की, जिसकी 13 वर्ष की आयु थी दोस्तों, कूच बिहार के शाही परिवार से विवाह कर देता है। किसका दोस्तों? अपनी पुत्री का कूच बिहार के शासक से, जो शाही परिवार से है, उससे विवाह कर देते हैं 1878 ईस्वी में, समझना। और दोस्तों पुत्री की आयु 13 वर्ष के लगभग, अर्थात इस 14 वर्ष से कम है। इसके बाद दोस्तों अब दोस्तों केशव चंद्र सेन के प्रयासों से ही जो ब्रह्म मैरिज एक्ट बना था उसका खुद केशव चंद्र ने पालन नहीं किया। इस वजह से दोस्तों इस ब्रह्म समाज से, जो केशव चंद्र सेन का है दोस्तों, ये भारतीय ब्रह्म समाज है, अब दोस्तों इसका अब विभाजन हो जाता है। विभाजन कब होता है? 1878 ईस्वी में। 1878 ईस्वी में भारतीय ब्रह्म समाज से एक अलग ब्रह्म समाज बनता है जिसका नाम है साधारण ब्रह्म समाज। साधारण ब्रह्म समाज बनता है।
कौन सा बनता है दोस्तों? साधारण ब्रह्म समाज। इसे दोस्तों आनंद मोहन बोस ने बनाया था। आनंद मोहन बोस इसमें शामिल था, आनंद मोहन बोस। और इसके बाद दोस्तों आनंद मोहन बोस भी था, ठीक है ना। इसमें विपिन चंद्र पाल भी बाद में आ जाते हैं। तो दोस्तों पहला विभाजन होता है 1866 में, और दोस्तों ये दूसरा विभाजन जो होता है ये दोस्तों होता है 1878 में, ब्रह्म समाज का दूसरा विभाजन हो जाता है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इसके बाद हम बात करें 25 जनवरी, ये भी काफी बार प्रश्न पूछा गया है, 25 जनवरी 1880 ईस्वी को दोस्तों केशव चंद्र सेन ने नव विधानसभा की स्थापना की थी दोस्तों। ये प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, नव विधानसभा, इसकी स्थापना दोस्तों केशव चंद्र सेन ने की थी। कब की थी दोस्तों इसकी स्थापना? 1880 ईस्वी में की थी। तो दोस्तों ये है ब्रह्म समाज और केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन पर सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ता है वे दोस्तों पश्चिमी संस्कृति का पड़ता है। और दोस्तों केशव चंद्र सेन की हम बात करें 1838 से दोस्तों 1884 तक केशव चंद्र रहते हैं दोस्तों। ज्यादा समय तक केशव चंद्र सेन जीवित नहीं रहे, लेकिन दोस्तों समाज में केशव चंद्र ने काफी सुधार किए। और दोस्तों यहां के जो अंधविश्वास थे, अंधविश्वासों को समाप्त करने की काफी कोशिश की और काफी हद तक सफल भी रहे, और स्त्री शिक्षा पर, महिला शिक्षा पर काफी बल दिया। तो दोस्तों ये था हमारा ब्रह्म समाज, किस तरीके से ब्रह्म समाज का विभाजन होता है और फिर किस तरीके से केशव चंद्र सेन सुधार करता है। तो दोस्तों ठीक है दोस्तों, शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।